बेगूसराय जिले के चिड़िया बयारपुर प्रखंड कृषि पदाधिकारी छौड़ाही के साथ मारपीट करने के मामले में पैक्स नामांकन के दौरान गिरफ्तार भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री धर्मेंद्र सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम कुमार वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीत यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अर्ज़े आजम की पेशी अनुमंडलीय न्यायालय मंझौल की गई, जहां कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पुनः सुनवाई के लिए 4 फरवरी का तारीख तय की गई है। इस दौरान भाजपा के कई दिग्गज मंझौल पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा नेता सह नवनिर्वाचित MLC सर्वेश कुमार, नगर विधायक कुंदन सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह एवं चेहिया बजारपुर भाजपा मंडल मनोज भारती सहित दर्जनों नेता न्यायालय परिसर में पहुंचे। मौके पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधान पार्षद ने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया है, हम कानून का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन भी अपना काम कर रही है, लेकिन तनातनी की बात नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक लोगों से भी जनहित में काम करने की अपील की। वहीं नगर भाजपा विधायक कुंदन सिंह ने कहा कि प्रशासनिक लोगों के द्वारा किसी कार्यकर्ता विशेष को बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाने का काम किया गया, जिसे समाज में आक्रोश फैल गया। साथ ही उन्होंने कहा कि छौराही प्रखंड किसी पदाधिकारी की बातों को हम विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। विदित हो कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री के किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था से क्षुब्ध भाजपा नेताओं व मौजूद किसानों ने मारपीट एवं तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। तब वरीय पदाधिकारियों के द्वारा हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया गया था। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी रामकिशोर शर्मा अपनी गलती का एहसास करते हुए उपस्थित किसानों से माफी भी मांगी थी। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से कुमार गौरव की रिपोर्ट। कार्यक्रम था किसान सम्मान निधि, उसमें हमारे किसान